नमस्कार, भारती काकड़े .com पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम। ये समर में बहुत ही पसंद होते हैं खाने के लिए, मन लगता है ठंड ठंड कुछ खाना है, तो आज हम बनाएंगे पिस्ता बटरस्कॉच आइसक्रीम। आइए इसे क्या क्या सामग्री चाहिए इसे देखते। मैंने दूध ले लिया और फ्रेश क्रीम, चीनी, कॉर्नफ्लोर, बटरस्कॉच एसेंस, पिस्ता और बटर ले लिया। थोड़ा सा मैंने फूड कलर ले लिया ग्रीन वाला। आइए इसे बनाना शुरू करते। पहले हमें गैस चला देते हैं, हमें बटरस्कॉच के लिए कढ़ाई रखते। मैंने आइसक्रीम के लिए 200 ग्राम चीनी ले लिया। इसमें मैंने 3 चम्मच बटरस्कॉच के लिए निकाल लेते हैं। इसे मेल्ट करने तक छोड़ते। चीनी पूरा तरह से मेल्ट हो गया है, इसमें हमें थोड़ा सा बटर डाल लेते हैं। बटर भी मेल्ट हो गया है, इसी में हमें थोड़ा सा पिस्ता डालते हैं कि बटरस्कॉच पिस्ता आइसक्रीम बना रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा पिस्ता डालते हैं। तो हमें गैस बंद कर देते हैं, इसमें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूध हमें गर्म करने के लिए रखते हैं और हमें कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। इसी चम्मच में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया। इसे हमें मिला लेते हैं। पूरा तरह से मिक्स हो गया है, दूध गर्म होने के लिए रखे हैं और दूध में उबाल आ गया है, इसमें हमें चीनी डाल लेते हैं। हमें चीनी मेल्ट होने तक इसे घुमा लेते। चीनी मेल्ट हो चुके हैं, हमें धीमी आंच पर कॉर्नफ्लोर डालते हैं। हमें मिक्सिंग करके पहले ही रखा था, फिर हमें एक बार अंदर से मिला के इसमें डाल लेते। हमें इसे चलाना है। कॉर्नफ्लोर थोड़ा मिक्स हो गया है, तो हमारा दूध भी थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। फिर हमें इसी में फ्रेश क्रीम में डाल लेते हैं। मिक्स कर लेते। अरे पूरा मिक्स हो गया है, गैस बंद कर देते।
मात्रा में मिक्सिंग में बटर स्कॉच एसेंस भी डाल लेते हैं। इसमें नहीं, आधा चम्मच डाल लेते हैं। इसे मिला लेते हैं। पूरा मिक्सिंग तैयार हो गया है। हमें फ्रीजर में 1 घंटा चिल होने के लिए रखना है। इसे हमें 1 घंटे तक फ्रिज में रखते हैं। इसे हमें ढक्कन लगा के रखते हैं। ये बटर स्कॉच ये ठंडा होके सेट हो गया है। फिर मैंने थोड़ा सा गर्म करके इसे निकाल लिया है। ये नॉनस्टिक पैन है इसीलिए आसानी से उठ जाता है। हमें इसे थोड़ा पाउडर बना लेते हैं। कूट के भी बना सकते हैं, नहीं तो मिक्सर में भी डाल सकते हैं। 2-3 स्टेप चलाए और हमें इस तरह से दरदरी से कूट लिया है। ये मिक्सर में भी डाल सकते हैं, नहीं तो कूट के हमें इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा दरदरी से ले सकते हैं। 1 घंटा हो गया है, ये थोड़ा चिल्ड हो गए। मैंने पानी भी थोड़ा सा चिल्ड करके ले लिया और मैंने एक बोल भी चिल्ड कर लिया। मैं इस मिक्सर में इसमें डाल देते बोल में। हैंड ब्लेंडर में इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, बीट कर लेते हैं। आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं तो हैंड मिक्सर में भी इसी में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है और 1-10 मिनट इसी तरह से बीट करना पड़ता है इसी में बनाने से। हमें इसे चला देते हैं। और हमें इस तरह बटर स्कॉच के लिए थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालते हैं, ये हमें ग्रीन आइस वाला बनाएंगे। फिर हमें इसे मिक्स कर लेते हैं, बीट कर लेते हैं। ये 15 से 20 मिनट तक हमें इसे बीट करना है। इसे बीट कर लिया है और हमें यहाँ पे निकाल लेते पानी से और हमें इसमें बटर स्कॉच डालते। हमें इसे मिक्स कर लेते। ये मिक्सिंग हो गया और हमें एक डब्बे में भर के रखते हैं। जो भी हमारे पास डब्बे है, ये प्लास्टिक है, ये तो ग्लास टाइप कुछ भी हमें ले सकते हैं। इसमें हमें डाल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा और भी बटर स्कॉच डालते हैं। हमें इस तरह से ढक्कन लगा के रखते हैं। 4 से 5 घंटे तक इसे फ्रीजर में रखते हैं। ये 5 घंटे हो गए हैं, सेट हो गया है।
में से निकालते हैं। ऊपर से हमें थोड़ा बटर स्कॉच डालते हैं, थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देते हैं। बटर स्कॉच पिस्ता आइसक्रीम तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी होती है, इसे आप भी जरूर बना लीजिए। और मेरा रेसिपी वॉच करने से मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद।